हमें पढ़ना है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग को यूपीएससी कहा जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, और इसको स्टेट पीएससी आप कह सकते हैं, ठीक है। मतलब राज्य का लोक सेवा आयोग होता है, स्टेट का पीएससी कह सकते हैं। पीएससी ऐसे जनरल यूनिट है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है किसका, राज्य होगा, ठीक है, इसका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। दो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग को हम देखते हैं। ये लोग क्या है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, ठीक है, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय। इसका मतलब यह है कि किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, और दोनों को आप भर्ती अभिकरण कह सकते हैं। क्या है, भर्ती अभिकरण। भर्ती अभिकरण का मतलब रिक्रूटमेंट करने वाले, भर्ती करने वाली एजेंसी, ठीक है, भर्ती अभिकरण। अभिकरण का मतलब एजेंसी, मतलब नियुक्ति भर्ती करने वाली एजेंसी है। जैसे आप देख लीजिए यूपीएससी क्या करता है, पूरे लोक सेवकों की नियुक्ति करता है। आपका यहाँ पर पीएससी लोक सेवा आयोग जो है उसकी नियुक्ति करता है। अगर इसकी हम संरचना देखें, संघ लोक सेवा आयोग की जो संरचना है, संरचना का जो निर्धारण है राष्ट्रपति करता है। इसकी संरचना का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, संरचना का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। इसमें अध्यक्ष समेत, ठीक है, 9 से 11 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष होगा और 9 से 11 सदस्य। संघ लोक सेवा आयोग की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इनकी योग्यता का कोई उल्लेख नहीं होता है, लेकिन आधे से अधिक सदस्य, ठीक है, इनकी योग्यता का उल्लेख नहीं होता, लेकिन आधे से जो अधिक सदस्य होते हैं उनको सरकारी सेवा में 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। इनका जो कार्यकाल होता है, अगर हम कार्यकाल की बात करें, इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 65 वर्ष की आयु, ठीक है। और अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग में भी होता है। इसकी संरचना जो है राज्यपाल निर्धारित करता है, इसकी संरचना राज्यपाल करता है निर्धारित, इसकी संरचना राज्यपाल निर्धारित करता है। और उसमें भी योग्यता का उल्लेख नहीं है, और उनको वही आधे से ज्यादा सदस्यों को 10 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। कहा मतलब सरकारी नौकरियों में, ठीक है, लोक सेवक के रूप में, या जैसे आप देखेंगे प्रोफेसर। इनका कार्यकाल जो होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु, 62 वर्ष की आयु नहीं, वही सदस्य होते हैं लगभग 9 से 11 सदस्य उसमें भी होते हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष होता है, 9 से 11 सदस्य होते हैं। संरचना पूरा राज्यपाल निर्धारित करता है। अगर अब इसमें जो जटिल क्वेश्चन आता है, इसके पदमुक्ति से संबंधित आता है, कैसे इनको हटाया जाएगा। अगर हम पदमुक्ति की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग का कोई अध्यक्ष या सदस्य है उसको कैसे हटाया जाएगा, अगर उसकी हम बात करें तो लिखिए उसमें पदमुक्ति के अंतर्गत लिखिए कदाचार के मामलों में, कदाचार के मामलों की जांच, कदाचार मतलब कोई करप्शन का आरोप लगा है, ऐसी कोई चीजें हैं, कदाचार के मामलों की जांच राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को भेजता है। कदाचार के मामलों की जांच राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को भेजता है। राष्ट्रपति किसको भेजेगा, उच्चतम न्यायालय। कदाचार के मामलों की जांच राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को भेजता है। और नीचे लिखिए उच्चतम न्यायालय की सलाह, उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। इसकी जो सलाह होगी बाध्यकारी होगी। इस बात को समझिए, दरअसल होता क्या है कि उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है। दरअसल होता क्या है कि अगर राष्ट्रपति को लगता है उसको अगर दिवालिया है, ठीक है, अक्षम है, तो हटाया जा सकता है। और अगर उसके ऊपर कोई करप्शन का आरोप लगता है, कदाचार में कई प्रकार करप्शन का दायरा बहुत विस्तृत होता है, करप्शन के आरोप लगते हैं तो राष्ट्रपति नियुक्ति तो कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा नहीं सकता, बल्कि क्या करेगा, कदाचार के मामलों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के पास भेजता है, और उच्चतम न्यायालय जो भी सलाह देगा वह बाध्यकारी होगा किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी हम देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग में क्या होता है, इसमें नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन पदमुक्ति की जब बात आती है, उनको हटाया कैसे जाए, पदमुक्ति के मामले में यही पूरा प्रोसेस अपनाया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग में भी यही राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह लेगा और वह सलाह क्या होगी, बाध्यकारी होगी। हाँ हाँ, राष्ट्रपति हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा उच्चतम न्यायालय की सलाह। नहीं, इसमें नियुक्ति, यही तो टेक्निकल पॉइंट है कि नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया ऐसी होती है जैसा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्षों का होगा। ठीक है, राष्ट्रपति हटाएगा उच्चतम न्यायालय की सलाह, और वह सलाह उसके ऊपर बाध्यकारी होती है। बात समझ रहे हैं ना। अगर इसमें बात करें, अभी नई नियुक्ति हुई है, किसकी नियुक्ति हुई है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, अरविंद सक्सेना। हाँ, वर्तमान जो है अरविंद सक्सेना। यह आपके करंट के लिए भी ठीक है कि किसकी नियुक्ति हुई है, वर्तमान में जो है अरविंद सक्सेना। राज्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश कमीशन के तो अनिरुद्ध यादव है ना, अनिरुद्ध यादव। ठीक है, ठीक है, तो कुछ अनुच्छेद इसमें लिख लीजिए। इसमें अरविंद सक्सेना है, वहां पर अनिरुद्ध यादव। कुछ अनुच्छेद लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। एक अनुच्छेद तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी तथा निलंबन, यह बहुत चर्चा में रहता है। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी तथा निलंबन, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी तथा निलंबन, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी तथा निलंबन। एक व्यवस्था और की गई संविधान में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, उसको यहीं पर हम लोग मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, देखिए नीचे लिख लीजिए ऐसे, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत, अनुच्छेद 323 के अंतर्गत 323 का के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का उपबंध किया गया, प्रशासनिक अधिकरण का उपबंध किया गया, प्रशासनिक अधिकरण का उपबंध किया गया। इसका मतलब ये होता है कि जनरली हुआ क्या, प्रशासनिक अधिकरण, या आप देखेंगे और बहुत सारे अधिकरण आ गए, जैसे आपने एनजीटी का नाम सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी का नाम सुना है नहीं आप लोग? अच्छा, तो एनजीटी जो है उसको कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। उसकी स्थापना 2010 में हुई। ये आपसे मतलब आपके लिए भी ठीक रहेगा, 2010 में। तो दरअसल है क्या कि जब अगर आप देखेंगे पूरे मामले को देखेंगे तो न्यायपालिका के ऊपर कार्यभार बढ़ता जा रहा है। आपके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को कहा जाता है। दरअसल हुआ क्या कि न्यायपालिका के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था मामलों के, तो ऐसा हुआ कि जो विशेषीकृत मामले हैं, अलग अलग वर्गों के जो मामले हैं, उनके लिए अलग अलग न्यायालय गठित किए जाए। ठीक है, तो अधिकरण की व्यवस्था की गई। जैसे अगर आप देखेंगे प्रशासनिक अधिकरण या प्रशासनिक न्यायाधिकरण का जो गठन किया गया, तो प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी विवाद हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उनको प्रशासनिक न्यायाधिकरण के माध्यम से सुलझाया जाएगा। ऐसे ही जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई, तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी विवाद हैं उनको एनजीटी सुलझाएगा। इससे क्या होता है कि जो न्यायपालिका है, जो आपकी एकीकृत व्यवस्था है न्यायपालिका की, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके बाद आपके जो अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय है, तो उन पर एक बोझ जो है, बर्डन जो है कम होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 323 का या 323A के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण की और 323B के अंतर्गत अन्य विषयों के लिए अधिकरण की व्यवस्था की गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा